हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं और आज की जो अपडेट है वो काफी जानदार शानदार होने वाली है, क्योंकि आप सभी लोग यूपी टेट की प्रतीक्षा कर रहे हो, सुपर टेट की परीक्षा प्रतीक्षा कर रहे हो, साथ ही साथ आप लोग इंतजार कर रहे हो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि को लेकर के। तो आज बहुत सारी अपडेट न्यूज पेपर में आई है इसको लेकर के, तो हम लोग सारी न्यूज को जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, कल हमने शाम को भी एक वीडियो बनाया था जिनमें यह कहा था कि जो नया शिक्षा सेवा आयोग है उसको लेकर के कल जो है योगी जी ने एक बैठक की थी, और उसी के बारे में आज हर एक न्यूज़पेपर में छाया हुआ है कि क्या हुआ है, कैसे कैसे भर्तियां होनी है, हर एक चीज यहां बताया गया। तो हम इनको बहुत ही ढंग से पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर के लिए। लिखा है कि मदरसों समेत सभी संस्थानों में एक ही आयोग करेगा शिक्षकों की भर्ती, यानी अब अलग अलग आयोग नहीं होगा, जैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अलग नहीं होगा, या जो भी आपका है, यानी जैसे पहले प्राथमिक की भर्ती पीएनपी कराती थी, जूनियर की भर्ती पीएनपी कराती थी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ये जितने भी हैं यूपीएचएससी, सब जो है अब एक हो जाएंगे। नया शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा कराएगी, यहां तक कि यूपी टेट की परीक्षा भी अब यही शिक्षा आयोग कराएगा। यहां पे लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को हरी झंडी, प्रयागराज में होगा स्थापित, यानी कि जो ये कयास लगाया जा रहा था कि प्रयागराज में होगा कि लखनऊ में होगा, तो वो प्रयागराज में फाइनल हो चुका है। प्रदेश में बेसिक माध्यमिक उच्च और प्रावधिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती अब एक ही आयोग के जरिए की जाएगी, इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। खास बात यह है कि अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षकों की तैनाती इसी आयोग के माध्यम से होगी। आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में ही होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय किया गया। विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए सीएम ने आयोग का गठन के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अभी बेसिक माध्यमिक उच्च और प्रावधिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों का चयन अलग अलग प्राधिकारी बोर्ड व आयोग के माध्यम से होता है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा यूपी लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यह बताया गया कि जो भी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आयोग कराएगा। और यूपी टेट को लेकर के भी यहां पर बड़ी अपडेट निकलकर आई है। यहां पर लिखा है कि नया आयोग टीटी भी कराएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग सिर्फ शिक्षकों की भर्ती ही नहीं बल्कि यूपी टेट का भी आयोजन करेगा। आयोग सुनिश्चित करेगा टीटी का आयोजन समय पर हो और समय से नतीजे जारी किए जाएं। टीटी प्रदेश की प्रमुख बड़ी परीक्षाओं में से एक है, इसके लाखों विद्यार्थी शामिल होते हैं। वर्तमान में टीटी का आयोजन किया जाना प्रस्तावित भी है। ये आप देख लीजिए, बड़ी अपडेट निकल कर आया है कि वर्तमान में जो नई टीटी करवाई जानी है उसका जो प्रस्ताव है वो प्रस्तावित है। आप सभी लोगों को बता दें कि टीटी का विज्ञापन बहुत ही जल्द आएगा। आप सभी लोग अगर यूपी टेट की आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल का लिंक है, मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल देता हूं। आप लोग जाकर उस चैनल को तुरंत ही आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पर डेली शाम को 7 बजे जबरदस्त क्लास चलती है बिल्कुल फ्री, उसका पीडीएफ भी मिलेगा बिल्कुल फ्री। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई, कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाकर आप लोग परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल के तुरंत सब्सक्राइब कर लो, सारी क्लासेस वहां पर फ्री चलती है, ठीक है। तो बाकी यहां पर आज जो है कैबिनेट की बैठक भी होगी और आज ये जो है इसको मंजूरी भी मिल जाएगी। लिखा है सीएम योगी की अध्यक्षता में बुधवार शाम 4 बजे कैबिनेट बैठक होगी, इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में दर्जन भर प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो शाम को जब ये 4 बजे मीटिंग हो, जो आपकी मीटिंग है वो हो जाएगी, तो मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि मोहर लगी है कि नहीं लगी है, क्या हुआ है, क्या निर्णय हुआ है, क्या फैसला लिया गया, सब कुछ मैं आपको 4 बजे बताऊंगा। तो आप लोग क्यों चैनल सब्सक्राइब कर लेना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली जो अपडेट है वो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के, इसमें लिखा है कि शिक्षा मंत्री कह रहे पद खाली और भर्ती महीनों से अटकी हुई है। यहां पर लिखा है देखो, शिक्षा मंत्री विधानसभा में बताते हैं कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के तकरीबन 16,000 पद खाली हैं। वहीं टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के 7 माह बाद भी चयन प्रक्रिया अटकी हुई है। छोटा बघाड़ा स्थित सोनकर लॉज में मंगलवार को अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम यूथ अड्डा में प्रतियोगी छात्रों ने शिक्षा मंत्री के बयान का हवाला देते हुए भर्ती प्रक्रिया तत्काल पूरी करने की मांग की। प्रतियोगियों ने कहा कि टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक परीक्षा तिथि भी घोषित नहीं की जा सकी। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो यूथ अड्डा कार्यक्रम जो है अमर उजाला जो चलाती है, वहां पर छात्रों से पूछा जाता है कि किसकी आप तैयारी कर रहे हैं, कौन से फॉर्म आपने डाला और उस भर्ती में क्या चल रहा है। तो फिलहाल यहां पर टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा तिथि, वो सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि जारी नहीं हो रही है, बहुत समय हो चुका है, 7-8 महीने फॉर्म भरे हुए हो चुके हैं लेकिन नहीं आ रहा। सबसे बड़ी कमी तो यहां पर यही हो गई कि पहले इसमें 16,000 पद जो है खाली थे, तो वैकेंसी कितनी की आई, मात्र 4,163 पदों पर वैकेंसी आई और 16,000 पद खाली थे, यानी 12
17,000 पद तो कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। दूसरी बात, जब वो वैकेंसी आ गई तो उसके बाद में कुछ अत ही पता नहीं कि उसका पेपर कब होगा, यहाँ तक कि अभी एग्जाम डेट तक घोषित नहीं हुई कि उसकी एग्जाम डेट कब होगी, क्योंकि एग्जाम डेट घोषित किया जाएगा उसके 2-3 महीने बाद उसका पेपर होगा, फिर इसमें प्रक्रिया और लंबी चलेगी। तो क्या ये भर्ती 2025 में पूरी होगी? कहने का मतलब यह था 22 में अगर हुई थी तो 22 में इसको कंप्लीट कर देना चाहिए था, या अब तक तो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी भर्ती, लेकिन नहीं हो पाया किसी न किसी रीजन से। फिलहाल रीजन यही है कि वहां पर जो है सदस्य नहीं है, लेकिन सदस्य क्यों नहीं, अब तक सदस्य नियुक्त होने चाहिए थे, 6-7 महीने से सदस्य नहीं है तो उसको नियुक्ति की भी तो जिम्मेदारी। लेकिन अब फाइनली यही है कि अब जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है वो नया शिक्षा सेवा आयोग ही कराएगा, अब यहां पर जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है अब उसके बस की नहीं है, वो नहीं करवाएगा, अब नया शिक्षा सेवा आयोग बनना है वही जो इसकी परीक्षा करवाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, नया शिक्षा सेवा आयोग पर आज मंजूरी मिल जाएगी और फिर जल्द से जल्द काम भी मुझे लग रहा है स्टार्ट हो जाएगा। अगली जो अपडेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एसएससी सीजीएल की तरफ से 7500 पदों पर भर्ती निकाला गया है, इंस्पेक्टर असिस्टेंट ऑडिटर व अन्य पद जो खाली हैं उस पर जो है वैकेंसी यहाँ पर निकली है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसका विज्ञापन जो है परसों ही आ गया है, लेकिन आज की न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में अपडेट दी गई है। 18 से 20 साल एवं अधिकतम 27, 30, 32 यानी कि जिस हिसाब से पद होगा पदों के आधार पर यहाँ पर उम्र सीमा डिसाइड की जाती है, और पदानुसार जो 25,500 से 1,51,000 जो है वेतन भी यहाँ पर है, आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये है। साइट आपको https ssc.nic.in पर जाकर आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, जाकर आप इनको देख सकते हैं। वहीं पर अब हम बात करते हैं डेलेड के बारे में। डेलेड दिसंबर 2022 का जो सेमेस्टर परिणाम है उसको जारी कर दिया गया है, जिसमें से 73,186 प्रशिक्षु सफल रहे हैं, और जैसा कि हर बार होता है कि 40 से 45% लगभग आधे छात्र तो फेल ही हो जाते हैं डेलेड का किसी भी सेमेस्टर का एग्जाम हो, तो इस बार भी यही हुआ है कि लगभग आधे छात्र फेल हो गए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से डेलेड 2013, 15, 18 और 21 के अलग अलग सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी, मंगलवार को इन सभी का परिणाम घोषित कर दिया गया। परीक्षा में 73,186 प्रशिक्षु घोषित किए गए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से परिणाम पीएनपी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। डेलेड के अलग अलग वर्षों की सेमेस्टर परीक्षाओं में पुनर्परीक्षा देने के लिए 136,578 प्रशिक्षुओं ने आवेदन किया था, इनमें से 132,584 प्रशिक्षु परीक्षा में शामिल हुए थे और 3994 अनुपस्थित थे। मंगलवार को जारी परिणाम में 73,186 प्रशिक्षुओं को सफल घोषित किया गया, 59,267 प्रशिक्षु असफल रहे और 129 का परिणाम अधूरा है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि सभी परिणाम नियामक की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। 2019 और 21 प्रशिक्षुओं की नियमित सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया गया है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तकरीबन आधे छात्र ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं, जो कि लगभग हर एक डेलेड के सेमेस्टर में होता है। पता नहीं बच्चे वहाँ लिख नहीं पाते हैं या क्या सिस्टम है, या वहाँ कॉपी गलत चेक होती है या क्या होता है, हम ये नहीं बता सकते, लेकिन कभी भी किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा आती है, आप न्यूज़पेपर उठाकर देख लीजिए, आप डाटा उठाकर देख लीजिए, उसमें ये जरूर होता है कि आधे छात्र लगभग फेल हो गए। तो यहाँ भी जो कल रिजल्ट आया उसमें भी ये अनुमान है कि 45% से ज़्यादा छात्र जो हैं फेल हो गए हैं। ठीक है, रीजन कुछ भी हो बट छात्र यहाँ पर फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल आज की जो है इंपॉर्टेंट अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी आप वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं और चाहते हो कि ऐसे ही आपको अपडेट मिले तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी अगर आप लोगों को यूपी टेट 2023 की निःशुल्क तैयारी करनी है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल का, जाकर आप लोग तुरंत के तुरंत उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और डेली शाम को 7 बजे जुड़ें, जिससे आप लोगों को बेहतरीन के बेहतरीन क्लास आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।